फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें टॉपिक, उसका नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसको कहीं कहीं पर भी ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, या ब्रेक इवन एनालिसिस को कहीं कहीं पर BEP भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, या हम ब्रेक इवन एनालिसिस का क्या यूज़ है, इसके क्या असम्पशन था, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। हम एक्सिस पर जो लेते हैं वो लेते हैं आउटपुट, और जो हम वाई एक्सिस पर लेते हैं वो लेते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, फिक्स कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो जो फिक्स कॉस्ट होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है, यानी क्वांटिटी के प्रोडक्शन पर उसका कोई असर नहीं होता है। अगर ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस होगी तो भी फिक्स कॉस्ट उतना ही होगा, अगर आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा तो भी फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहेगी। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहती है। सपोज़ हमने अज्यूम किया है कि इतनी फिक्स कॉस्ट है, तो आउटपुट कुछ भी प्रोड्यूस हो फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट हर आउटपुट के साथ चेंज होती है, तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी। तो जो इतना पार्ट है यहाँ पूरे में वो फिक्स कॉस्ट को शो करता है, और उसके ऊपर वाला वेरिएबल कॉस्ट को, और हम इन दोनों को देखें अगर ऐसे तो ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व बनेगा। ठीक है, फिर देखते हैं TR कर्व। ये हमारा TR कर्व हो गया, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। अब हमें ये पता है कि प्रॉफिट की सिचुएशन क्या होती है। प्रॉफिट हमारा होता है व्हेन TR इज़ ग्रेटर देन TC, यानी हमारे पास जो रेवेन्यूज़ हैं, यानी जो हमारी सेल हो रही है वो ज़्यादा है, और सेल और हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो कम हो रही है, यानी हमारे पास जो इनकम हो रही है वो ज़्यादा है और कॉस्ट हमारी जो इनकर हो रही है वो कम है। तो हमें क्या सिचुएशन क्या होगी प्रॉफिट की। अगर हम इसमें देखें तो हम देखेंगे ये वाला, और हम लॉस का भी देख सकते हैं। लॉस कब होगा, जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो और हमारे रेवेन्यूज़ कम हो। ठीक है, तो और एक सिचुएशन और आएगी हमारे पास, जब TC हमारा TR के बराबर हो जाएगा, यानी TR इज इक्वल टू TC, यानी जितनी कॉस्ट इनकर की है सिर्फ उतना ही हमें रेवेन्यू हो रहा है, बस ये इसको कवर कर रहा है, और एक्सेस में भी ना कुछ है ना कम में कुछ है। तो ये जो सिचुएशन होगी वो कहलाएगी नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को इसमें देखना चाहें सिचुएशंस को, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे ये, यहाँ पर TC कर्व ऊपर है, TR कर्व नीचे है, यानी TC की वैल्यू ज़्यादा है, TR की वैल्यू कम है। इफ़ TC इज़ ग्रेटर देन TR तो कौन सी सिचुएशन होगी, लॉस, यानी ये वाला जो एरिया है हमारा ये लॉस को शो कर रहा है। फिर हम इधर देखें तो हमारा TR ऊपर है कर्व, TC कर्व नीचे है, यानी TR इज़ ग्रेटर देन TC, यानी हमारी कौन सी सिचुएशन हो रही है, TR इज़ ग्रेटर देन TC, यानी ये वाली, यानी यहाँ इस एरिया में क्या है प्रॉफिट शो हो रहा है। एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर TC कर्व TR कर्व को कट कर रहा है, यानी यहाँ पर TC की वैल्यू TR के बराबर है, तो ये जो होगा हमारा पॉइंट ये कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो ये वाली सिचुएशन है ये है हमारी TC इज़ ग्रेटर देन TR, यहाँ पर हमारा है TR इज़ ग्रेटर देन TC, और जो ये है यहाँ पर है TR इक्वल्स टू TC, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा जो यहाँ पर क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि अगर कोई फर्म है जो चाहती है कि उसे प्रॉफिट हो, तो कम से कम उसे इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना या सेल करना ही पड़ेगा जिसके बाद से रेवेन्यू प्रॉफिट स्टार्ट होगा, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएंगे और कॉस्ट, इससे कम अगर वो सेल कर रही है या प्रोड्यूस कर रही है तो फर्म को लॉस ही होंगे। तो हर फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो कैसे जल्दी से जल्दी अपने ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करें ताकि उसकी प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए, उसके बाद वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करती है। ब्रेक इवन पॉइंट में कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहला जो अजम्पशंस है इसमें वो ये है कि जो टोटल कॉस्ट है किसी भी फर्म की वो ईजिली डिवाइड की जा सके फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। अगर टोटल कॉस्ट का ये वाला जो कैटेगराइजेशन है अगर ये क्लियरली नहीं किया जा सकता तो वहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि फिर TC कर्व ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा।
जाएगा। तो अगर किसी भी फर्म का टोटल कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्लियरली, तो हम ब्रेक इवन एनालिसिस वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहेगी अप टू अ स्पेसिफिक या रीजनेबल डिग्री ऑफ आउटपुट चेंज, यानी जब तक आउटपुट चेंज होता रहेगा, एक बहुत ही एक्सट्रीम नहीं हो जाए, जब तक फिक्स कॉस्ट हमारी कॉन्स्टेंट रहेंगी। देखिए यहाँ पर फिक्स कॉस्ट हमारी कॉन्स्टेंट ही हो रही है। फिर नेक्स्ट है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट कॉन्स्टेंट चेंज से रेट से चेंज हो रही है, इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी इसका जो चेंज है वो कॉन्स्टेंट है। फिर इसको दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी, यानी जो चेंज है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। इसका मतलब रेट कांस्टेंट होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी वेरिएबल कॉस्ट की। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्शन और सेल जो है वो को एग्जिस्टेंट है, यानी जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है कोई फर्म उतना सेल भी हो रहा है, क्योंकि सिर्फ आउटपुट कर लेना फर्म का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बल्कि जब तक वो सेल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर ये ज्यूम किया गया है कि जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो सब सेल हो रहा है, तभी वो रेवेन्यूज में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो इसका अजम्पशन है वो है कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसके जो कॉस्ट कॉन्स्टेंट इनपुट कॉस्ट, यानी जो इनपुट लगा रहे हैं हम, जो भी कॉस्ट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट है। ये नहीं कि हमने पहले जो यूनिट यूज़ की है उसकी उसकी कॉस्ट कुछ और आ रही थी फिर चेंज हो रही, नहीं, वो कॉन्स्टेंट है। हम जितनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं या जितना हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से जो कॉस्ट बढ़ रही है उसका इनपुट के जो कॉस्ट आ रही है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जब ब्रेक इवन एनालिसिस एक चीज़ और करता है, जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है यानी जो हम सेल कर रहे हैं, मान लीजिए वो कॉन्स्टेंट रेट से सेल हो रही है, यानी जो प्राइस है वो फिक्स है। प्राइस फिक्स है तभी जो टीआर है हमारे यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो चेंज है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये भी स्ट्रेट लाइन आ रही है। जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में एक वेरिएबल कॉस्ट की जो चेंज की रेट थी वो कांस्टेंट थी, वैसे ही टीआर में प्राइस कांस्टेंट है, इसलिए हमारा अपर डायरेक्शन में ले जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो ब्रेक इवन एनालिसिस में बहुत यूज़ होते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसके न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करना सीखें तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है या टॉपिक कोई आपको लग रहा है कि हमारे वीडियोस में छूट रहा है, तो प्लीज़ हमें सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप। थैंक यू सो मच।